बहुत खुशी हुई हमारे को ये सुनकर कि आपकी भाभी साहब संगीत सीखना चाहती है और आप लोग उनके शौक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं भैरव, मुझे आज ही निकलना होगा बनारस के लिए। बस हफ्ते भर में वापस लौट आऊंगा, आते ही शुरू कर देंगे। जी मैं समझता हूँ शास्त्री जी, पर मेरी दुविधा यह है कि मासा ने ये आज से ही शुरू करने की अनुमति दी है। अगर आपका पाठ आज शुरू हो जाता तो बहुत ठीक होता। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था आपके पास। एक रास्ता है भैरव, देखो अगर तुम्हें सही लगे तो जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा बेटा तुम्हारी भाभी को सिखा सकता है। बहुत गुणी कलाकार है, उसका रियाज सुनता हूँ तो लगता है जैसे साक्षात सरस्वती माँ वास कर रही उसके गले में। ईश्वर की आशीष है ऐसी औलाद होना, जो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएगा। फिर मैं तो हफ्ते 10 दिन में वापस लौट आऊंगा, तब तक मेरा बेटा आपकी भाभी साहब को खर्च लगाना सिखा देगा। बिना किसी रुकावट के ये काम आज से ही शुरू हो सकता है। और ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक रहा तो मैं अपने बेटे का रिश्ता तय ही करके आऊंगा। शास्त्री जी फिर तो जरूर जाइएगा, और भगवान करे कि आप अच्छी खबर ही लेकर आए। हाँ, सुना तो है कि लड़की बहुत गुणी है और सुंदर भी। तो ठीक है शास्त्री जी, आप आज से ही अपने बेटे को भेज दीजिएगा। मासा के मन का कोई भरोसा नहीं है, देर हुई तो बदल भी सकता है। और भाभी साहब संगीत सीखने के चाव में बहुत खुश हैं। मैं उनका दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक कहते हो बेटा, मासा के मन के इस बदलाव ने ही तो तुम्हें भी तो संगीत से दूर किया था। ना बदलता तो आज तुम भी तो संगीत की अच्छी तरह से साधना कर रहे होते। बहुत सदा हुआ था तुम्हारा हाथ तबले और ढोलक पे, और लय की समझ बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारी लगन देखकर मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी तुमसे। हाँ शास्त्री जी, मैंने तो अब उस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जो दरवाजा कभी खुल ना सके उसके सामने आस लगाकर बैठने से क्या फायदा। और अब तो लगता है कि इन हाथों से लय भी छूट गई है। ना बेटा ना, लय बदल सकती है, छुट्टी ना है। और फिर जीवन की अपनी लय होती है, हमारे कदम अपने आप उसके साथ ताल मिला लेते हैं। अच्छा शास्त्री जी, मैं चलता हूँ। माफ करना बेटा, अगर लड़की वालों से बात ना हुई थी तो मैं आज से ही। नहीं शास्त्री जी, आपका बेटा तो आ ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल, तुम चलो, मैं उसे भेजता हूँ। बहुत बढ़िया। बड़ी मासी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ठहर जा, बताती हूँ। ये बस हो गया हमारा काम। अब तुझे पर्दे के पीछे से कोई नहीं देख पाएगा। बड़ी माँ जी साहब, शास्त्री जी के बेटे पधारे हैं। अरे वाह, आ गए। उन्हें अंदर ले आओ और यहाँ बिठा देना। ये भी यही रख दो। अब कुछ उजाला हुआ थारे दिमाग में कि मैंने पर्दा क्यों लगाया? तुझे संगीत सिखाने वाले मास्टर जी आ रहे हैं। गाड़ी खम्मा माजी साहब। खम्मा गनी, आइए आइए बिराजी। सुमित्रा, गुरुजी के लिए जरा पानी तो लाना। बेटे माफ करना, लेकिन आपकी उम्र देखकर आपको गुरुजी कहना जरा सा अजीब लग रहा है और मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि भैरव को आपने क्या अपने बचपन में सिखाया? आपको समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है। भैरव जी को संगीत मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने सिखाया था। हाँ, तभी तो मैं सोचूं ये मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है। लो पानी पी लो बेटे। जी धन्यवाद। चाय के साथ क्या खाओगे? जी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पाठ शुरू करना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करो। माजी साहब, आप संगीत सीखेंगे? मैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने गाना शुरू किया तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आपकी शिष्या पर्दे के उस पार है। पर्दे के उस पार? हाँ बेटा, गुरुजी को प्रणाम करो। खाड़ी खम्मा गुरुजी। खम्मा गाड़ी। अच्छा अब हम चलते हैं। चलो सुमित्रा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ठीक है ना। देखिए आज आपका पहला दिन है, आप मुझे अपनी पसंद का कुछ भी गा के सुनाइए, उससे मुझे आपके सुरों का अंदाजा हो जाएगा। मैं क्या गाऊं? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ना सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जिसे आप रोज गुनगुनाती हो कुछ भी सुना दीजिए। वाह बहुत सुंदर, आपकी आवाज में बहुत मिठास है, सुकून है, ठहराव है। चलिए अब मैं जो गाऊंगा मेरे पीछे से दोहराइए, ठीक है? जी। सारी बड़ी हो गई। अरे बन्ना बन्नी की झांकी निकले के अंदर जो ऐसे झांक झांक करे हो। अब कैसे बुत्ते बन गए सबके सब। चलो भागो चलो से। चलो भागो चलो से। भागो चलो से। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? जी कुछ नहीं। रियाज शुरू करें?